दोस्तों, इस वीडियो मैच जो कवर करने वाले बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के बीच जो कि फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा, नो डाउट इंटरनेशनल T20 मैच है, तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। किससे से कितना इन्वेस्टमेंट करना है वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो में। तो अभी से वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, बहुत इन्फॉर्मेटिव। सिर्फ 4 घंटे बचे गए मैच स्टार्ट होने में, सिर्फ 4 घंटे। तो सबसे पहला काम कीजिए जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसके बाद ये वाला वीडियो जाके देख लेना, अपलोड कर दिए चैनल पे, आई बटन वगैरह लिंक जाके देख लेना, अपलोड कर रखा हूँ। सबसे पहला काम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं कंफर्म बैटिंग ऑर्डर के लिए, लाइनअप्स के लिए, और फाइनल स्मॉल लीग की टीम के लिए, मिनी ग्रैली की टीम के लिए। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, सालों से फ्री है, लेकिन डेली फ्री विनिंग टीम प्रोवाइड करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँ, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँ, उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। लिंक 100% का टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको सर्च करना तो सर्च भी कर सकते हो, सिंपली टेलीग्राम के सर्च बार जाना, सर्च करना एफिलिएट टीम। एफिलिएट टीम सर्च करोगे बिना स्पेस देके एफिलिएट टीम लिखोगे ना, हालांकि सर्च करने से हजारों फेक चांस मिलेंगे जो कि आपसे पैसे मांगेंगे, उनसे दूर रहना। अब जो मेरा चैनल है वो सालों से फ्री है, कभी भी आज तक 1 रुपये पे नहीं करने के लिए बोला हूँ। तो प्लीज टेलीग्राम चैनल यूज से ज्वाइन करें और फेक मत करना प्लीज। सर्च करने से फेक आएंगे उससे अच्छा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ज्वाइन करो, जहाँ पर देखो मैंने आपको वीडियो में प्रेडिक्शन भी शेयर किया था कैटिनो के बारे में, क्या जो पक्का स्कोर करेगा, जो अभी जिम्बाब्वे T20 में कवर किया था और ये मार रहा है बंदा, इसलिए बोलते वीडियो को ध्यान से देखा करो। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना, फेक मत ज्वाइन करना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही ज्वाइन करना। एंड बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजें ही कवर अप करेंगे। देखो ये मैच कहाँ पे खेला जाएगा ये देख लेते हैं। ये मैच सैलेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सैलेट में खेला जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये मैच कितने बजे स्टार्ट हो जाएगा अपने इंडिया टाइम के हिसाब से, तो 5:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, बट उस समय 6 बज रहेंगे बांग्लादेश, उस समय 6 बज रहेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। आधा घंटा आगे बांग्लादेश हमसे, छोड़ो सब चीज़ें। हेड टू हेड रिकॉर्ड की हम बात करें तो देखो दोनों टीम आपस अभी तक 13 टाइम्स आपस में भिड़े, 13 टाइम्स के दिवा 13 टाइम्स, जिसमें हेड टू हेड में 9 टाइम्स, 9 बार तो श्रीलंका ने विन किए, 9 बार श्रीलंका ने विन किए, और मात्र 4 टाइम्स बांग्लादेश ने विन किए, मात्र 4 टाइम्स। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। हालांकि हेड टू रिकॉर्ड में तो श्रीलंका बहुत आगे है, डबल से भी आगे है, तो श्रीलंका से भी तो थोड़ा फेवरेट रहेगा, लेकिन बांग्लादेश के पास भी देखना पड़ेगा कौन से ऐसे ज्यादा बड़े प्लेयर्स जो कि अच्छा परफॉर्म कर सके। हेड टू हेड में काफी आगे है श्रीलंका, 9 मैचेस जीते, अब खुद सोचो 13 में से 9 बार श्रीलंका ही जीते और 4 बार सिर्फ जीती बांग्लादेश। वेदर रिपोर्ट की हम बात करें तो वेदर क्लियर, ऐसा कोई बारिश का चांस वगैरह नहीं है, वेदर आपको क्लियर ही है, हालांकि दिखा रहा है 19 डिग्री सेल्सियस, हो सकता है 20-22 वगैरह हुई हो, एक एवरेज लेके चलते 19 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा पिच रिपोर्ट की बात की जो सैलेट स्टेडियम है कैसा है, तो ये जो विकेट है इस विकेट पे ना टर्न काफी अच्छा खासा होता है, बॉल काफी ज्यादा अच्छा खासा होता है टर्न, यानी स्पिनर्स आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा आज के मैच के लिए। तो स्पिनर्स को कवर करके चलेगा, मस्ट अपिक होगा आज आपके लिए स्पिनर्स, हो सकता है कि आज स्पिनर ज्यादा विकेट लेके जाए, तो स्पिनर्स को उसे कवर करके चलेगा। न्यूट्रल विकेट है, लेकिन इस विकेट पे देखो ऐसा नहीं कि स्कोर नहीं बनता है, स्कोर बन जाता है, लेकिन थोड़ा हार्ड है विकेट, लेकिन इस विकेट पे टर्न अच्छा खासा बॉल होता है, ध्यान रखिएगा, स्पिनर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके अलावा बांग्लादेश की बात करते हैं लाइनअप्स पे, तो ओपन करेंगे टीम दस लिटिन दास ओपन करेंगे, मोहम्मद नईम के साथ ओपन करेंगे, ऑब्वियस बात है हर कोई जानते हैं दोनों ओपनर है। उसके अलावा टीम के कैप्टनसी करेंगे नाजुमल हुसैन सेंटो जो कि कैप्टनसी करेंगे, और वर्ना बैटिंग करेंगे, एनएमएल है कि फोना बैटिंग करेंगे, लेकिन फॉर्म बल्लेबाज है टीम दस। उसके अलावा हरिडे भी अभी टीम दस, काफी जबरदस्त प्लेयर टीम से हरिडे। उसके अलावा सौम्य सरकार जो कि देखेंगे कितना और बॉलिंग करेंगे, लेकिन बैटिंग लिखा गया सिग्नल पर, हालांकि जबरदस्त बैटिंग के लिए भी जाने जाते हैं कुछ साल से, लेकिन इनका फॉर्म बहुत बेकार में दिख रहा हूँ, पहले जैसे बात 2020 का ये लोग शायद ही ये लोग फॉर्म में आ रहे हैं। उसके अलावा मेहदी हसन भी अवेलेबल है, महमूदुल्ला भी अवेलेबल है, तेजुल इस्लाम भी अवेलेबल है, रिसाद हुसैन भी अवेलेबल है, टास्किन अहमद भी अवेलेबल है, मुस्तफिजुर रहमान भी अवेलेबल जो कि डेथ में बॉलिंग करेंगे, मुस्तफिजुर रहमान नहीं तो टास्किन अहमद, कोई डेथ में बॉलिंग एक ही करेंगे, हालांकि मेहदी हसन भी है, लेकिन फिर भी ये दोनों इसको एक मेरे हिसाब से रहमान डेथ में बॉलिंग करेंगे, मुस्तफिजुर रहमान। तो देख लो बांग्लादेश का बैटिंग ऑर्डर, यही बैटिंग ऑर्डर चाहिए मेरे हिसाब से, महमूदुल्ला फिनिशर है टीम पर, ध्यान रखिएगा, हो सकता है हिटिंग के लिए आ जाए बस इस बार, लेकिन कैप्टनसी नहीं करे महमूदुल्ला। श्रीलंका की बात करें तो कौशल मेंडिस ओपन करेंगे, अब इसका फ्रेंडो के साथ ओपन करेंगे, वर्णा टीम से सीधा जो कि टीम से वर्णा बैटिंग करे, सवा विक्रम काफी अच्छा प्लेयर टीम से सीधा, सवा विक्रम वर्णा बैटिंग करता है, T20 में अच्छी इनिंग खेल लेता है, वैसे तो विकेट कीपिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन ठीक है भाई। एंजिल मिथ्यूस फोदा बैटिंग करेंगे, चलिए तो श्रीलंका का देखना पड़ेगा कि फिन्ना बैटिंग करेंगे तो कितना मौका ही मिलेगा यार, अब इसका फ्रेंडो अवेलेबल तो श्रीलंका को उतना चांस मिले वो बात अलग है, अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो उन केस में तो फिर तो दिक्कत, मतलब कि श्रीलंका मार सकता है। उसके अलावा दसुन संका भी अवेलेबल है, महेश दीक्षाना भी अवेलेबल है, दलसान मधुसंका भी अवेलेबल है, विंडो फ्रेंडो भी अवेलेबल है, मथीसा पथिराना भी जो कि देते बॉलिंग करेंगे पथिराना। तो श्रीलंका काफी मुझे जबरदस्त मतलब टीम लग रही है आज, काफी जबरदस्त भाई, दसुन संका भी है, सब मतलब जबरदस्त लग रही है, श्रीलंका बहुत फेवरेट लग रही है। श्रीलंका अगर कोई बहुत लोग कमेंट करते कौन टीम जीतेगी, मेरे हिसाब से श्रीलंका जीतेगी भाई, मैच बांग्लादेश से लेकिन श्रीलंका जीतेगी।
एंड बात करते हैं प्लेयर वाइज आने से लेकर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करेगा 36,000 से ज्यादा लोग हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ज्वाइन करना, लिंक 100% काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल। एंड बात करते प्लेयर वाइज, देखो इंटरनेशनल मैच कुछ बोली जो होती नहीं है, ये सब तो डोमेस्टिक मैचेस के कैटेगरी बट ये इंटरनेशनल मैच है, इस मैच को ज्यादा रिस्पेक्ट दो। अलग बात अलग, WPL अपना बेस्ट है उसमें नो डाउट। इसके बाद देखो एक टाइम फिर एक ही मैच खेलो, फालतू का इधर उधर मत जाना, एक टाइम पर एक ही मैच खेलो। बात कर विकेट कीपर श्रीलंक, उससे पहले दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन मिलता है प्लीज वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर सेट कर दीजिए, आने वाले वीडियो से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, जिससे आप ही का फायदा, मेरा कोई फायदा नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब करते हो तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को जरूर लाइक करते हैं, चाहे सबसे जरूर से कर लेना। बात कर विकेट कीपर श्रीलंक, बहुत लॉजिकली टीम क्रिएट करेंगे, बहुत अच्छी टीम क्रिएट करेंगे, तो टेंशन मत लो। बात कर विकेट, देखो कौशल मेंडिस एक अच्छा ऑप्शन है, देखो पिच बैलेंस भले आपको दिख रहा हो लेकिन बता दूं स्पिनर्स के लिए फायदेमंद विकेट है भाई, अच्छा खासा टर्न होता है इस विकेट पे, यहाँ पे पेस दिखा रहा है लेकिन स्पिनर्स को इस विकेट पे काफी ज्यादा टर्न मिलता है, ध्यान रखिएगा। न्यूट्रल विकेट भले ही हो, बैलेंस विकेट यहाँ शो कर रहा है लेकिन हाँ ज्यादा रन नहीं बनते। लिटिन दास कवर करके चल सकते हो लेकिन जनरली मैं अभी प्रेफर नहीं करूँ, अभी एक विकेट से कीपर से काम अगर चल रहा है तो एक विकेट कीपर लेते हैं, अगर सेकंड पिक करना पड़ा तो पिक कर लेंगे लिटिन दास, और मुझे पता है बहुत अच्छा फॉर्म में चल रहा है लिटिन दास, कवर कर लेना लिटिन दास, कोई दिक्कत नहीं है। चैत लगा कवर तो कर सकते लेकिन थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में कंफर्म टेलिया पे कर दूंगा, लेकिन प्रोवेल लाइन में वरना बैटिंग नहीं लिखा गया है इसलिए मैं नहीं रखना चाहूंगा, अगर वरना बैटिंग करेंगे तो जबरदस्त ऑप्शन है, फिलहाल मैं कवर के चलता, हो सकता है वरना बैटिंग भी करने आ जाए क्योंकि वरना बैटिंग के लिए भी जाने जाते हैं। सबसे बड़ी बात, जब भी बैटिंग से मौका मिलता बंदा सेंचुरी मारता, रिसेंटली सेंचुरी में मारा था मुझे याद आया, अब रिसेंटली ये ने सेंचुरी मारा था यार, मैं कवर के चल रहा हूँ इस पॉलिटी में क्योंकि बंदा बैटिंग आता है मार लेता है, मैं खुद मानता हूँ जल्दी आउट होता नहीं, पहली बात सोचूंगा जल्दी आउट होगा नहीं, और ही डे में भली ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन महमूद अल्लाह पे ड्रॉप नेम से एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, हालांकि पावर हीटर टाइप का प्लेयर है, स्कोर जनरली करता नहीं है लेकिन है अच्छा प्लेयर, अगर आप चाहो तो टीम और सेंटो जो कि कैप्टनसी कर रहे हैं, दो अच्छे प्लेयर्स लेके लोग ट्राइंग कर रहे हैं, फिलहाल मैं एक ही पिक कर रहा हूँ, पिक करेंगे देखो कौशल, कौशल मेंडिस तो हमने पिक कर चुके हैं, ये तो बॉलिंग भी करता था मुझे अभी याद है काफी, कमांडो मेंडिस बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर, आज बहुत दिन परसों वर्षों बाद मैंने नाम लिया भाई कमांडो मेंडिस का, मैंने मेंडिस अभी याद है कमांडो मेंडिस का, जबरदस्त ऑलराउंडर है भाई, कौशल प्लेयर अवेलेबल ही नहीं भाई, अब इसका फ्रेंड अवेलेबल में पिक कर रहा हूँ अपनी टीम हैज अ ट्रम्प कार्ड, पिक करके चलते अभी दो ही में पिक करो, अब चाहो तो नईम शेख या फिर सेंटो को पिक कर सकते हो, इस पर सेंटो ज्यादा प्रेफर करूंगा, नईम शेख का विकेट जाएगा लेकिन सेंटो थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करता है, नईम शेख थोड़ा पावर बट सेंटो थोड़ा सा टिक्की खेलता है, हालांकि वो भी पावर हीटर टाइप के बट टिक के थोड़ा खेलता है। वो देखो वनिंदो संग अवेलेबल है, एंजेल मैथ्यूज अवेलेबल है, बैटिंग भी करेंगे, बॉलिंग में उतना कुछ होप तो नहीं कर रखा, अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग एक दो तीन चार पाँच छ हो सकता है बॉलिंग मिल जाए, अगर दसुन संका वगैरह बॉलिंग नहीं करते तो हो सकता है मिल जाए, चांसेस विल बी हाई क्योंकि हर संघा अवेलेबल नहीं है ना, इसलिए दसुन संका हो सकता है बॉलिंग करे ज़्यादा ओवर, अंजिल मिथ्योस अगर ना करे तो रंजित सिल्वा बॉलिंग करेंगे, सोमे सरकार इनका भी देख ही लेते भाई, पाँच छः अगर बॉलर्स रहते तो ज़्यादा अच्छा रहते टीम, उससे ज़्यादा बकवास हो जाते हैं यार इनके पास कुछ ज़्यादा, एक दो तीन चार ये भी पार्ट टाइमर है, पाँच तो पाँच तो इनके रेगुलर है, कुछ दो पार्ट टाइमर है, तो दिमाग ख़राब हो रहा है कि सोमे सरकार बॉलिंग करेंगे नहीं करेंगे, हालांकि मिडल ऑर्डर बल्लेबाजी लिख रखा है, एम हासन मेहदी हासन ने कवर करके चलो भाई सवाल ही नहीं होता ड्रॉप करेंगे, दो ऑल राउंडर पिक करो, पिक करेंगे रुक जाओ पहले इंपॉर्टेंट प्लेस पर छाट रहा हूँ, पथीसा पथिराना इंपॉर्टेंट, तिक्षाना इंपॉर्टेंट है, दो देखो पथिराना दस में बॉलिंग करेगा, तिक्षाना अच्छा फॉर्म में चल रहा है, कवर कर लो। एस एस मेल के इस्लाम की अगर बात करें तो ये तजुल इस्लाम अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा पिटाई होता है मैं मानता हूँ लेकिन विकेट लेके चल जाता है। डी मधुसंघा अवेलेबल है क्या? डी मधुसंघा अवेलेबल है, दिलशान मधुसंघा अवेलेबल है, कवर करके चल, लेकिन नीचे देख लेते मुस्ताफिजुर रहमान ड्रॉप करने के सवाल नहीं उठता, पिक कर लो टास्की नेमल, जबरदस्त प्लेय टीम दस भाई, ये ना मुझे सबसे अच्छा बॉलर लगता है टास्की नेमल। एन थुसारा की बात करें तो एन थुसारा अवेलेबल नहीं भाई, इनको अकेले धनजे भी अवेलेबल नहीं है, एस इस्लाम को हमने पिक किया है लेकिन हमको पिक करना है टी इस्लाम को ना यार, सॉरी एस इस्लाम अवेलेबल नहीं है, सैफुल इस्लाम है ना ये बंदा, पिटाई बहुत ज़्यादा होता है, हाँ सैफुल इस्लाम अवेलेबल नहीं है, नहीं तेजुल इस्लाम अवेलेबल है बंदा, ये अवेलेबल नहीं है सॉरी इसके लिए, ठीक है टास्क नेम को भी कवर करना चाहूँगा, इससे ज़्यादा जबरदस्त बॉलर ये टास्क नेम दस बार स्पेशलिस्ट है, देखोगे तो अपनी टीम में नौ प्लेयर्स पिक कर चुका हूँ, इस नौ में से शायद आप किसी को ड्रॉप कर सकते हैं, स्मॉली वाले को बहुत इंपॉर्टेंट, अब दो प्लेयर्स बचे हुए अब आप रिस्क लो या फिर सेफ, जब आपको डिपेंड करता है, अब मैं आपको बताता हूँ किस प्लेयर को पिक करना है किसको ड्रॉप करना है, पहले ध्यान सुनो नौ प्लेयर्स इंपॉर्टेंट थे, स्मॉल टीम ही सबको कवर किया, हेड टू हेड से 100 मेंबर्स तक अगर टीम खेल रहा हो इनमें से किसी को ड्रॉप नहीं कर सकते आप, ये नौ नौ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, कुछ लोग बोलेंगे सिलेक्शन इसका कम है उसका कम है लेकिन मेरे भाई अच्छे प्लेयर सब है वो टॉप पे है ना ये सब, इसलिए इनको पिक, बट ये अवेलेबल नहीं लाइन उसमें, ये भी अवेलेबल है तो मैं क्यों कवर करूँ, नीचे अवेलेबल है कुछ
तेजुल इस्लाम अवेलेबल है किप कवर के चलते, अच्छे स्पिन बॉलिंग करते, रैली ट्राई कर लेना। बी फ्रेंडो एक जबरदस्त बॉलर है, आप यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हो, बी फ्रेंडो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। इधर से आर हुसैन भी अवेलेबल है, मैं साइड रखता हूँ इधर से। दिनेश सिल्वा को ऊपर रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि बैटिंग भी करेंगे हम, बॉलिंग भी करते हैं, इनको पिक कर लेता हूँ। अहमद धनुषंका को पिक कर लो या फिर धनजेडी सिल्वा को पिक करो। मैं धनजेडी सिल्वा के साथ जाना चाहूंगा क्योंकि उनसे पहले बैटिंग भी आएगी धनुषंका से, और साथ ही साथ बॉलिंग भी अच्छे अमाउंट में करेंगे, इसीलिए प्रेफर करूंगा मैं धनुषंका से अच्छा धनजेडी सिल्वा को पिक कर लो मेरे भाई, अच्छा ऑप्शन देगा। आप सौम्य सरकार को पिक कर लो या फिर नईम शेख को पिक कर लो या फिर महमूदुल्ला पिक कर लो। महमूदुल्ला पिक करूँगा उससे मैं सौम्य सरकार के साथ चला जाऊंगा भाई, तो देख लो। या फिर आपको लिटन दास है तो लिटन दास के साथ, मैं लिटन दास के साथ जाना जाना प्रेफर करूंगा। हालांकि सौम्य सरकार भी अच्छा है बट लिटन दास इसलिए भी बंदा, पहली बात तो विकेट कीपिंग भी करेगा, हालांकि उसे एनिमल हैक्यू भी विकेट कीपिंग कर ले। अगर हैक्यू फोन ना बैटिंग करे तो हैक्यू अच्छा ऑप्शन है, मैं पहले बता रहा हूँ। अगर एनिमल हैक्यू, इस चीज़ का ध्यान है कि मैं स्मॉल टीम प्रोवाइड कर रहा हूँ ये वाला, बट ग्रैली टीम में आप जो नीवो से स्टार्ट करें, जैसे बी फ्रेंड वगैरह नीवो से स्टार्ट करने आ जाते हैं तो ग्रैली टीम ट्राई कर लेते, स्टार्ट के पक्का विकेट चटकेंगे, तो स्टार्टिंग में पक्का ऐसा विकेट लेके देंगे। तो ग्रैली टीम आप बी फ्रेंडो को और इधर से बी फ्रेंडो को जूस ट्राई करना क्योंकि ट्रम्प कार्ड पिक हो सकता है, पार्टी में हो सकता है बी फ्रेंडो आपको देखने को मिले। सिलेक्शन से मात्र 2% है बट ट्रम्प कार्ड पिक हो सकता है, बट टीम ओवरऑल बन गई है, ज्यादा इस पर चेंजेस में नहीं करना चाहूंगा। हो सकता है कि पार्टी में लिटिन दास के फिर सौम्य सरकार आपको मुझे देखने को मिले, तो ध्यान रखिएगा। हालांकि टीम एक नंबर है, मुझे टीम में कोई कमी नहीं लग रहा। कैप्टन से बात करें तो मैं यहाँ से कैप्टन प्रेफर करूंगा जो मुझे जो सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। एंजेल मैथ्यूज अच्छा ऑप्शन है, रणजीत सिल्वा भी ठीक ठाक ही है, मेहदी हसन जबरदस्त है क्योंकि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, मैं यहाँ से कैप्टन प्रेफर करूंगा। जो मुझे लगता है पथी राणा है अपना वाइस कैप्टन, क्योंकि मैं पहले भी सोच रखा था कि पथी राणा है अपना वाइस कैप्टन जाए, कैप्टन तिक्षाना भी जा सकते, फिर पथी राणा भी कैप्टन जा सकते हो। मैं भी इसका फ्रेंड ऊपर इसके मेरे भाई सिर्फ 10% भी सिलेक्शन, आई थिंक 10% भी नहीं है क्या, सिलेक्शन इतना कम है लेकिन है तगड़ा प्लेयर टीम का सर। इसका फ्रेंड कवर कर लो, एक इंपॉर्टेंट पिक होना चाहिए, सबसे नीचे है 10%, बट ये अगर ये इसी का कीड़ अगर हाई कर देते और सबसे ऊपर कर देते ना तो इसका सिलेक्शन सबसे ज्यादा रहता। ड्रीम इलेवन के चक्कर मत पड़ो, अपने स्किल यूज करो। एज ए कैप्टन के साथ जो एंजेल मैथ्यूज से जब वाइस कैप्टन जा रहा हूँ, सॉरी कैप्टन एंजेल मैथ्यूज जो कि बैटिंग भी करेंगे, बॉलिंग से उतना होप तो नहीं है मैथ्यूज से, लेकिन रिसेंटली बॉलिंग किया था बंदे ने, इसलिए एज मैं कैप्टन जा रहा हूँ और फॉर्म भी ठीक ठाक ही है। वाइस कैप्टन पथी जाने के साथ चाहो तो सीबी सी रिवर्स भी कर सकते हो, बट टीम ओवरऑल मुझे सही लग रहा है। श्रीलंका थोड़ी ज्यादा फेवरेट टीम है क्योंकि हेड टू हेड में भी दोनों आपस में 13 टाइम्स विन है, जिसमें से 9 बार तो श्रीलंका विन की है और सिर्फ 4 बार ही विन की है बांग्लादेश, इसलिए मैं 2-4 ही प्लेयर्स उनके पिक किया हूँ। हालांकि टास्क में रहमान इसलिए क्योंकि डेथ में बॉलिंग करेंगे, T20 मैच है उस हिसाब से टीम क्रिएट किया मेरे भाई, ज्यादा मिडल ऑर्डर तक जाओगे T20 मैच, उसे मैं मिडल ऑर्डर को पिक किया ज्यादा कोई नहीं। देखिए फाइनल टीम हो सकता है सीरीज रिवर्स करने को आपको मिले, सेम टेकोंडस बुक कर दो, 4 घंटे में अब नहीं बचे हुए यार, सेम टेकोंडस बुक कर दो सेम टीम के साथ। ग्रैली टीम में आप जरूर से एज ए कैप्टन तिक्षाना को, मेहदी हसन को, कौशल मेंडिस को, अब इसका फ्रेंड कोई पिक नहीं, आप कैप्टन करके चलेगा टीम पहले बैटिंग कर दो, इन सबको सीबी से रोटेट करो, जबरदस्त ऑप्शन है। मिलते हैं फाइनल डिटेल यहाँ पे, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, बाकी वीडियो को जूस लाइक कर देना, ठीक है, लाइक जूस से कर देना, चाहे सब्सक्राइब जूस से कर लेना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना और टेलीग्राम चाहे ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक है, और हाँ चाहे सब्सक्राइब जूस से कर लेना, पहले ऑल पर सेट कर लेना।